स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऑफ क्लास 10। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, इनको मैं लिख रहा हूँ बेटा, इनको आप लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर आप आइडेंटिटी याद करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बड़े अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं होंगी तो बेटा यू कांट डू इट, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा साइन थीटा जो होता है हमारा, वो क्या होता है, 1/ कोसेक थीटा होता है। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक ये सब हमारे क्या बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। वो साइन थीटा हमारा 1/ कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा हमारा 1/ साइन थीटा होता है, ठीक है। और कोस थीटा जो होता है बेटा वो 1/ सेक थीटा होता है, और sec थीटा क्या होता है हमारा 1/ cos थीटा होता है। तो sin cos tan cot sec cosec सब क्या है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बोलते, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। तो sin थीटा 1/ cosec थीटा होता है, cos थीटा 1/ sec थीटा होता है, cosec थीटा 1/ sin थीटा होता है, sec थीटा 1/ cos थीटा होता है, ठीक है। और tan थीटा जो होता है बेटा वो 1/ cot थीटा होता है, और कोट थीटा जो होता है बेटा वो 1/ टेन थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है बेटा वो साइन थीटा 1/ कोस थीटा भी होता है, ठीक है। और कोट थीटा जो होता है बेटा वो कोस थीटा 1/ साइन थीटा भी होता है, ठीक है। इन सबको आप लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं। बेटा 1+ टेन स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एक आइडेंटिटी आपकी ये बनेगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा वो क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है बेटा कि 1+ कोट स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा वो हमारा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। एक बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और कोस साइन स्क्वायर थीटा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा कुछ आइडेंटिटी हैं और इनको देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है, सेकंड में 90 प्लस थीटा आता है, सेकंड में 180 माइनस थीटा आता है, इसमें बेटा 180 प्लस थीटा आता है, इसमें बेटा 270 माइनस थीटा आता है, इसमें 270 प्लस थीटा आता है, इसमें 360 प्लस थीटा आता है, इसमें बेटा 360 माइनस थीटा आता है। लेकिन ये जो बेटा मैंने सब लिखा है ये आपके 11th क्लास में है, आपकी जो 10th क्लास में है केवल आपको मैं वो लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, आप उन्हें लर्न करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं बेटा उन्हीं पर आते हैं, है ना। तो ज़्यादा याद करने से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो कोस थीटा होता है, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है बेटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो सेक थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं बेटा, टेबल बनानी हम सीख लेते हैं बहुत अच्छे से। फर्स्ट होता है बेटा साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है।
यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90। ठीक है बेटा, जैसे हमें साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन 30 की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जीरो से लेके बेटा 4 तक नंबर लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, सभी को आप 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद आप सबका स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, 0 से 4 तक हमने नंबर लिखा है, उसके बाद हमने सभी नंबर को 4 से डिवाइड किया है, ठीक है। अब 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 0 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पे बेटा √3/2, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो ये हमने साइन की सभी वैल्यू निकाल ली हैं। उसके बाद कोस की वैल्यू निकालते हैं, कोस की वैल्यू के देखिए देखिए कैसे करेंगे, हम वैल्यू उधर से लिख देते हैं, 1 √3/2, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 और 0। और मैंने आपको बताया था टेन थीटा जो होता है बेटा वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो 0 अपॉन 1 0 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, 1 अपॉन 0 इन्फिनेटिव होता है। अब वैल्यू उधर से लिखेंगे, इन्फिनेटिव √3, 1, 1 अपॉन रूट 3 और 0। सेक क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कोस, यानी कि कोस की वैल्यू का आप रेसिप्रोकल करेंगे, 1 2 अपॉन 3 √2, 2 अपॉन 1 2, और यहाँ पे बेटा इन्फिनेटिव। इसके बाद वैल्यू उधर से लिखेंगे, इन्फिनेटिव 2 √2, 2 अपॉन √3 और 1, ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। इसके बाद में आपको पीजीटी में बताता हूँ पीजीटी क्या होता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है बेटा, इसको हमने एबीसी लिख दिया है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, 90 के सामने बेटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो पीजीटी क्या होती है बेटा, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना होता है बेटा, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपको ये याद करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, PBP/HHP, ठीक है, P/H का मीन्स क्या है बेटा, तो PBP/HHP, ठीक है, तो साइन क्या होता है बेटा, P/H, P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कोस टेन। उसके बाद में इधर से कोट क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कोस टेन कोट। सेक क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोसेक क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसको याद करेंगे, PBP/HHP, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, ठीक है। इसके बाद में आप इन्हीं सब आइडेंटिटी को बेटा लर्न करेंगे अच्छे से, उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।